चलिए गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ उत्तरायणी मेले में। सो गाइस, टाइम हो रहा है सुबह के करेक्ट 9, तारीख है 10 और दिन है मंगलवार। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, टाइम वगैरह सब कुछ आपको बता चुका हूँ। और गाइस, कल का जो मेरा व्लॉग था ना, सुबह आ जाना चाहिए था मेरी एडिटिंग करने के बाद, लेकिन मैं उसकी एडिटिंग कर ही नहीं पाया, टाइम नहीं मिल पाया गाइस मुझे, तो उसकी एडिटिंग मैं आज करूँगा और वो शाम तक आ जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिएगा। फिलहाल गाइस, मैं जा रहा हूँ पूजा पाठ करने के लिए, नाश्ता वास्ता करने के लिए। फिर गाइस, आज मुझे निकलना है काठगोदाम वाली जो कैंटीन है वहाँ पे, तो वहाँ के सारे काम निपटा करके आते हैं, तो फटाफट से सारे काम शुरू करते हैं अपने। और गाइस, फिर से आज बहुत मस्त वाली धूप निकली थी, मतलब निकली है। फिलहाल मैं अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। चलिए जी, हो गई पूजा पाठ समाप्त, लेकिन आज चाचू नहीं आया। कहाँ है ये? है नहीं, मेरा कुत्ते का बच्चा पूजा पाठ करने क्यों नहीं आया है? तुमको पीठे भी लगाया हमने आज? आज ये भी नहीं आई पूजा पाठ करने के लिए, इसका पीठे भी रह गया आज और चाचू का भी रह गया। देखते क्या कर रहा है, सोया उठा है? अच्छा, तुम्हारा सोए हुए यहाँ पे, तभी नहीं आए। कल मेरे सपनों में आया आप मेथी के पराठे बना रहे हो। सपनों में वही बना रहे क्या है? आपने सपने में बोला मुझे कि जाओ वहाँ पर, क्या कहते हैं, राहुल के लिए कैस्ट्रॉल में कुछ रखा है, नाश्ता रखा है, दे दे उसको। मैंने कैस्ट्रॉल खोला तो उसमें मुझे मेथी के पराठे दिखाई दिए। अच्छा अच्छा, अंतर यानी हमारे घर में होगा, हमको बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? सही बात है। कलयुग के अंतर्यामी हुआ ये? कलयुग के अंतर्यामी, कलयुग के जो अंतर्यामी होते हैं उनके कहीं भी पास है नहीं, क्या चाहिए? ओके जी बाबा, जा रहा मैं। ये घास खा रही है पे। नहीं बाय बाय, करो ब्रेकफास्ट, करो घास खाओ। चलिए गए तो चलते हैं फटाफट से। स्कूटी को मैंने कर दिया स्टार्ट, स्कूटी हो गई है गर्म, अब देखते हैं। ओके सो लेट्स गो टू द ऑफिस। सो गाइस, बात की जाए मौसम की तो एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है, धूप निकली हुई है। और गाइस, आजकल ऐसे हो रहा है, एक दिन धूप, एक दिन कोहरा, फिलहाल आज तो धूप निकली हुई है, अब कल का नहीं कह सकते कल क्या होगा। चलिए गए तो फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं कैंटीन में अपनी एसएसबी वाली, उसके बाद जाना है फिर मुझे आगे कार्डोगाम सीआरपीएफ वाली में। तो फिलहाल गाइस चलते हैं यहां पर, अपना काम शुरू करते हैं आज का। चलिए गाइस, प्लान में थोड़ा चेंज, फिलहाल मैं जा रहा हूँ सीआरपीएफ, वापसी में मैं आऊँगा यहाँ पे एसएसबी कैंटीन में। और गाइस, जिस तरीके से आज धूप हो रही है इतनी प्यारी प्यारी, मन तो कर रहा है थोड़ा पहाड़ों में घूम करके आऊँ, तो देखता हूँ वहाँ से अगर टाइम से फ्री हो गए तो घूम के आ जाएंगे। चले गए तो फाइनली पहुँच गया मैं सीआरपीएफ, तो चलते हैं यहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं आज का। सच में गाइस, इतना प्यारा मौसम हो रहा है आज, इतनी मस्त वाली धूप निकली हुई है, एकदम बढ़िया वाली, एक नंबर बाय गॉड। चलिए गाइस, तो ये हमारा सीआरपीएफ, अब चलते हैं इसके अंदर। उससे पहले जो माइक वाइक लगाए हुए मैंने, ये निकाल लेता हूँ, पत्थर लगता है। और सच में गाइस, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, क्या धूप निकली हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है बाय गॉड। चलिए जी, तो हो गया यहाँ से काम पूरा, अब चलते हैं वापस। चले गए तो फाइनली हो गया यहाँ से काम पूरा। सो गाइस, मैं जी बाहर खड़ा था, थोड़ा धूप सेक रहा था और बहुत प्यारी प्यारी धूप आई गाइस, तो फिलहाल चलते हैं गाइस, पहनते हैं अपना हेलमेट और निकलते हैं एसएसबी वाली कैंटीन में। चलिए गाइस, तो मैं पहुँच गया यहाँ पे, तो चलते हैं इसके अंदर और काम शुरू करते हैं अपना। लो जी, घर को जा रहा था और स्कूटी में हो गया पंक्चर, अब पंक्चर है या हवा कम है देख के बताएंगे ये।
इतनी कम हवा है टायरों, पता ही नहीं, बताओ टायर क्या गाड़ी लोड मानती है। हाँ अभी हवा कम थी, अभी चेक करेंगे पंक्चर तो नहीं कहीं। चले गए तो फाइनली चलते हैं घर की तरफ। और सबसे अच्छी बात ये है फिलहाल आज जाम नहीं लगा हुआ है, अदरवाइज गाइस इस रोड में तो आजकल बहुत जाम लग गया बहुत। चले गए तो फाइनली पहुँच गए घर की कॉलोनी में, अब चलते हैं गाइस फटाफट से घर, और बहुत तेज भूख लग रही है, देखते हैं मम्मी जी ने क्या बनाया आज खाने में। अगर मम्मी जी ने पुलाव बनाया तो मज़ा आ जाएगा फिर। हेलो पिंगे 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 पिंगे। चले जी पहुँच गए, चलो बेल बजाता हूँ, दरवाज़ा बंद होगा पक्का। खोल दो दरवाजा, दरवाजा बंद रखा है। हाय पिंगी पिंगी, हाय पिंगी पिंगी। हाँ मैंने खींचा आपके लिए गिफ्ट, गिफ्ट लाया मैं। मैं बाहर कुर्सी लगाता हूँ, आज यहाँ बैठ के खाना खाऊंगा मैं धूप में, बड़ा मजा आएगा। तो चलिए जब तक मैं खाना खाता हूँ फोन को लगाता हूँ चार्ज में, फिर करते हैं बातचीत आपसे। सो गाइस टाइम हो गया है 4:30 और मैं हूँ किचन में फिलहाल, यहाँ मैं बनाने वाला हूँ पापड़। तो उसके लिए मैंने पापड़ निकाल लिए और फ्राई पैन में डाल दिया हल्का सा तेल। चले गई सो पापड़ तैयार, तो मम्मी जी को दे आते हैं। जो फरमाइश आई है मसाला पापड़ की, तो ये बनाया मैंने, अभी ये खिलाते हैं। चले जी थोड़ा घूम के आते हैं, और भाई बाहर तो कोहरा आ रहा है धीरे धीरे करके। तो मैं जा रहा हूँ नज़दीक की दुकान तक तो सामान लेने के लिए घर के लिए। और गाइस कोहरा लग रहा है, ठंडा हो रहा है अब तो, देखिए सामने देखिए। पहुँच गए गोपू भैया की दुकान में, चलिए गाइस ले लिया सामान, अब चलते हैं घर। और भाई साहब कोहरा आने लग गया अब तो गजब वाला। ठीक है चाचू मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। चले गए तो फाइनली शाम के 6 बजने वाले हैं, और मैं भी जिस मार्केट से आया हूँ सामान मंगाया था मम्मी जी ने वो लेकर के आ गया हूँ मैं। सो गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ पूजा पाठ करने के लिए, और उसके बाद गाइस मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ उत्तरायणी मेला हल्द्वानी में लगता है गाइस हर साल उत्थान मंची में हीरानगर के पास में। और मैं हर साल गाइस जब भी मतलब छोटा था स्कूल टाइम में था तो वहाँ पार्टिसिपेट करता था, मेरे पास घर में बहुत सारे सर्टिफिकेट अवार्ड रखे हुए उत्थान मंच के, जब मैंने वहाँ पर डांस किया होगा कभी कुछ प्ले किया होगा। तो गाइस अपने पुराने दिनों को आज याद करने के लिए जा रहा हूँ, और आज आपको दिखाने वाला हूँ कैसा होता है उत्तरायणी का मेला। तो अगली जो वीडियो होगी वही की होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून। चलिए गाइस तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं उत्तरायणी मेले में, तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और गाइस देख रहे हैं मस्त माहौल हो रहा है, लेकिन कोहरा भी लगा हुआ है, लोग कोहरे भी आए हुए हैं बताओ। सो गाइस अलग अलग यहाँ पे स्टॉल लगे हुए, सामने बाबा चाट वाले भी आ गए यहाँ, तो मतलब सभी आए हुए हैं अपने अपने स्टॉल लेकर के। यहाँ पे फिलहाल भीड़ कम है अभी, वैसे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है फिलहाल के लिए, थोड़ा रश कम है आज, शायद हो सकता है कि एंडिंग डे में हो या कब हो पता नहीं। चले गाइस चलते हैं थोड़ा प्रोग्राम इन्जॉय करते हैं। आज उत्तराखंड एक शांत है ललित विद्यार, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला मैं ललित विद्यार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस कार्यक्रम में उत्तरायणी कौटिक में। जय 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 माता देवी कनारा तातो पानी खाना तो मेरे डबल रोटी ले सुनो, और
धीरे धीरे बहुत सारा गीत आल, तो पहले एक बहुत बढ़िया है सुनने वाला गीत सुनो तुम लोग। जब मेरे अपन उत्तराखंड इंडस्ट्री में अपन शुरुआत करी तो एक गाना ची ऋतुमास फल सिन्हा चांद्री इंटरप्राइजेस भैया प्रहलाद महाराज जी गाई थी पहली, तो कभी तो सुनो लागो से बाहर आ गया हूँ। अब चाचू के लिए कुछ देखते हैं, क्या देखें? चले तो ये लिया मैंने चाचू के लिए, उसके लिए गदा हनुमान जी वाली। चले गई, चलते हैं। सो गाइस, आदित्य के मोमो लेने के बाद मैं फिलहाल निकल रहा हूँ घर की तरफ। और गाइस आप देख रहे हैं कोहरा बिल्कुल खतरनाक छाया हुआ है, बाय गॉड सच में गाइस। इसलिए मैं जल्दी भी आ गया, मैं डांस वांस का प्रोग्राम भी नहीं देख पाया ठीक तरीके से। मैंने कहा चलते हैं घर, ठंडा हो रहा ज़्यादा ही, सो यहीं से मुड़ते हैं। पहले मूंगफली ले लेते हैं मम्मी जी के लिए। तो भैया बैठे हैं अभी? बैठे तो हैं, पहले मूंगफली लेते हैं फिर जाते हैं घर। चलिए मूंगफली लेते हैं भाई, ठंडा तो गजब हो गया भैया। अब तो कब रात को कब तक रहते हो आप? नौ बजे तक रहता। कितने? 9 बजे तक? 2 बजे तक? अरे यार, वही तो मैं सुनूँ मैं घबरा गया। सो चलिए गाइस, ले लिए मूँगफली, अब चलते हैं घर। यार थोड़े दिन ना वहाँ आग सेकी मैंने, अच्छा लगा मुझे क्योंकि ठंडा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandma. चले गए तो finally पहुंच गया मैं घर। अब लगाते हैं स्कूटी अंदर। ओए होए होए होए, ठंडा ठंडा। चलिए जी, देखो हम चाचू के लिए क्या लाए हैं। हम चाचू के लिए ये लाए हैं, हे दबाओ उसको, और हम मोमोज भी लाए हैं। चलो अंदर दादी को दिखाओ। चले गए तो फाइनली घर पहुंचने के बाद चाचू को मिल गया उसका गिफ्ट। और ऊपर मैं गाइस मैं चेंज करने के लिए आ रहा था, तो इसने इतनी जिद करी ऊपर आने की, रोते रोते ये भी ऊपर आ गया। तो गाइस फाइनली मोमोज भी खा लिए, थोड़ा हल्का हल्का पेट भर भी गया। तो गाइस आपने देखा कि आज मैं गया था उत्तरायणी के मेले में, जो गाइस हर साल होता है ये। मतलब गाइस ये हर साल 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक, मतलब ये जब तक हमारे ना गुगुता का त्यौहार होता है वो नहीं मनाया जाता तब तक ये होता है। तो मैं देखा मैंने कि मतलब ठीक था, भीड़ भाड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि वहाँ पर ना आपने देखा कि कोहरा बहुत लगा हुआ था, ठंडा बहुत था, इसकी वजह से लोग बहुत कम आए थे। लेकिन मतलब प्रोग्राम गाइस ठीक था, बढ़िया था, ऑल दो मतलब जो होना चाहिए। लेकिन मेरे को उम्मीद थी कि वहाँ पर थोड़ा डांस वांस का भी होना चाहिए, लेकिन वो गायकों ने कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया तो मेरे को ठंडा लग रहा था। मैंने कहा निकलने का टाइम हो गया तो निकल के आ गया मैं। चलिए गाइस, सो आज का जो मेरा पूरा ये व्लॉग था इसको मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। सो उम्मीद करूँगा जो मेरा पूरा व्लॉग था आपको पसंद आएगा, तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं कल आपसे एक नए और बेहतरीन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We ain't losing ground, we won't give up and we won't turn around. No, look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. All along the way to break bread on another day. Always there to give you advice, help you find the wrong from the right, even when you're not in their sight.